Hi everyone. How to prepare for RBI in the next six months using self study? This is a question that a lot of students have been asking, and I totally understand what you must be going through and what you actually want from me as a guide, as a mentor for you. So, in this video, I'm going to talk about the strategy that you need to follow to create uh, a perfect or a near perfect plan for yourself so that you can confidently. Prepare for RBI in the next six months. Number one, I cannot say it enough that this is the perfect time to start for RBI preparation because if you start any later, then you're going to miss out on revision. Even if you're able to cover the syllabus, you will miss out on revision, and that is a big risk that you're taking in your career path. So, let's try and understand first what all sources do you need to uh, use and what exactly do you need to study. सिलेबस क्या करना है करंट अफेयर्स क्या करना है सारी चीजें आपको क्या क्या कवर करनी है लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दैट एंड देन डिवाइड प्रिपरेशन ऑफ फॉर सेल्फ स्टडी इन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग एंड देन टेक इट फॉरवर्ड ओके आई होप दैट साउंड गुड सो फर्स्ट लेट अफ अंडरस्टैंड कि हमको पढ़ना क्या क्या है लेट्स ट्राई एंड हैव अ ब्रीफ आइडिया कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एग्जामिनेशन इन ई एस आई द सिलेबस पार्ट कैन बी डन बाय श्रीराम बुक तो एक तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज का सिलेबस करना है एंड सेकेंडली करेंट अफेयर करना है इफ़ यू लुक एट दिलेबस इन सिलेबस यू कैन कवर द सिलेबस थ्रू श्री राम बुक और नितिन सिंघानिया बुक और एनसीआरटी और नहीं बोलूंगा मैं एनसीआरटी बिकॉज एनसीआरटी इज जस्ट प्रिलिमिन्री मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो उतना डेप्थ में नहीं जाती है। वो आपको ऊपर ऊपर से एडलगे भी और बेसिक आ गया थ एंड दोनों की ही एनसीआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस इंडियन इकोनॉमी ये दोनों आपको करनी है माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है प्लीज रिमेंबर दिस माइक्रो नहीं करनी है ओके श्री रामस बुक इज फॉर इंडियन इकोनॉमी नाउ दिस इज यूज फॉर यूपीएससी बट दिलेबस इज एक्सैक्टलीस आरबीए कैन रेफर टू दिस

भारती भी पाठक इनकी एक बुक आती है कॉल्ड एज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आई एफ एस और इंडियन टू कवर द कोर्स फाइनेंस ये हो गया हमारा ई एस आई और फाइनेंस का सिलेबस आई होप दोर्स आर अंडरस्टैंडेबल देन कम्स मैनेजमेंट इन मैनेजमेंट यू हैव ऑथर्स फॉर एग्जाम्पल देर इज सी बी गुप्ता देर इज टी एन छाबड़ा बट आई वुड रिकमेंड एनी वन ऑफ दीज टू दोनों ही अच्छे हैं देर आर टू बुक्स स्पेसिफिकलीट यू शुड गो थ्रू नंबर वन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नंबर टू ऑर्गनाइजेशन बिहेवियर इनकी दो अलग अलग बुक्स आती हैं प्लीज बाई बुद्ध बुक्स बुद्ध बुक्स आर रेलिवेंट एंड स्ट्रिकली एज पर दिलेबस ऑफ आर बी आई एग्जामिनेशन तो ये दोनों किताबें आपको यू हैव टू कवर दीज टू इफ यूर डूइंग सेल्फ स्टडी अब आते हैं सबसे पहले फेज वन पे इनफैक्ट लेट्स कम टू द करेंट अफेयर्स फर्स्ट एंड देन कम टू फेज वन हमने फेज टू का पूरा सिलेबस देख लिया ई एस आई फाइनेंस मैनेजमेंट देन कम्स करेंट अफेयर्स फेज वन करंट कैन बी इजीली कवर्ड थ्रू स्पॉटलाइट दिस इज मंथली मैगजीन दैट आई रोल आउट एंड इट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द वेबसाइट ये हमारी वेबसाइट पे

फेज टू करेंट में क्या आता है आर बी आई पी आई बी टू फोर सेवन आर बी आई टू फोर सेवन दीज आर अगेन मैगजीन्स इनकी वीडियोज जो है दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री यू कैन यूज दीज वीडियोज और जो भी इनके पीपी टीस पी डी एफ मिलते हैं यू कैन यूज दैम टू कवर योर करंट अफेयर्स ऑफ फेज टू पी आई वी टू फोर सेवन कवर्स पी आई बी विच इज अ वेबसाइट बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज द मोस्ट रिलायबल वेबसाइट टू कवर एवरीथिंग दैट इज हैिंग इन इंडियन इकोनॉमी and आरबीआई टू फोर finance current फाइनेंस Okay. Then ओके have government schemes, गवर्नमेंट स्कीम्स GDP रिपोर्ट्स indices. In पी फोरकास्ट इन डब के डॉक्यूमेंट्स आपको फ्रीली एक जगह पे तो नहीं मिलेंगे बिकॉज यू आर यूजिंग सेल्फ स्टडी बट यू कैन कलेक्ट दम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज थोड़ा सा गूगल करोगे सर्च करोगे आपको सोर्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे ओके दे इज नो प्रॉब्लम इन दैट यू कैन रेफर टू लॉर्ड ऑफ यू सोर्सेज टू कवर दीज बट ये इंपॉर्टेंट है

Uh, आपको पड़ता पता लगना शुरू हो जाएगा व्हाट ऑल रिपोर्ट्स आर कमिंग आउट जीडीपी फोरकास्ट्स एंड इंडेस ये सारी चीजें आपको कवर करनी है करंट में नाउ करंट इज द मोस्ट ट्रिकी एरिया बिकॉज वहां पे यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस नंबर वन एंड सेकेंडली वहां पे बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ यू नो एफर्ट एट माइंड एंड ऑल्सो तो मैं भी सब कुछ फ्री में नहीं दे पाता हूँ वेरी ऑनेस्टली बिकॉज यहां पर भी मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ देर इज अग टीम लॉट ऑफ पीपल वर्किंग सब जैसे आप यूर लुकिंग फॉर अ जॉब यूर लुकिंग फॉर अ करियर दीज गैज आर ऑल्सो वर्किंग है एज अ करियर उनके पैशन है पढ़ाना बट उनको भी थोड़े से पैसे तो चाहिए ही होते हैं एवरीबडी नीड्स मनी टू सरवाइव देअ फोर वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट वी चार्ज फॉर सर्टन सर्विसेस ओके क्वांट पे आते हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ये तीन चीज हैं फील फ्री टू लर्न इज अ अव चैनल दैट यू कैन यूज टू कवर क्वांट एंड रीजनिंग ऑल दो दे कवर वॉन्ट एंड रीजनिंग ऑफ बैंकिंग लेवल बट इनका काफी अच्छा लगता है मुझे शॉर्टेड लगता है बहुत ज्यादा नॉइज नहीं है ज्यादा शॉर्टकट्स पे फोकस नहीं है यू डोंट नीड ऑल दो थिंग्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर बी एग्जामिशन सो आई रियली लाइक द वे दे टीच इंग्लिश के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड एनी चैनल यूट्यूब पे बिकॉज दे आर वेरी वेरी बैड क्वालिटी अच्छी नहीं है उनकी दे टीच इंग्लिश इन हिंदी विच इज द रॉन्ग वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश ड आई वुड इंस्टेंट रिकमेंड की आप प्रैक्टिस करिए यू कैन गेट बुक्स फ्रॉम द मार्केट कैट की बुक्स मिल सकती है बैंकिंग की बुक्स मिल सकती है अगर आपकी वीक है इंग्लिश बहुत ज्यादा देन यू कैन यूज अ वेबसाइट कॉल्ड एज इंग विड डॉट कॉम ई एन जी वी आई डी डॉट कॉम इट्स अ गुड वेबसाइट इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश ओके एग्जाम बट इफ यू जस्ट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फॉर योर सेल्फ तो ये अच्छी वेबसाइट है जहां से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थ्रू वेरियस जो मैंने आपको भी बताया तो ये सारी चीजें हमें कवर करनी है वेन वी आर यूजिंग सेल्फ स्टडी टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन अब आपको करना कैसे है लेट्स अबाउट दैट आई है टू डिफरेंट मेजर डिविजन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग अगर आप वर्किंग हो तो कैसे पढ़ोगे वीकवाइज डिविजन क्या होगा मंथली डिविजन क्या होगा नॉन वर्किंग हो तो वॉट विल है मैं यू कैन इन एनी केस नॉट कवर मोर देन टू सब्जेक्ट्स पर डे इन द सेम स्टैंड मैक्सिमम ऑफ टू सब्जेक्ट पर डे उससे ज्यादा प्लीज मत कवर करिएगा यू विल हर्ट योर सेल्फ सिलेक्शन नहीं होगा ये मैं गारंटी कर सकता हूं सिलेक्शन चाहिए तो मैक्सिमम ऑफ टू सब्जेक्ट्स एक सब्जेक्ट भी उठा सकते हो बट नॉट मोर देन देन इफ यू वर्किंग वन डे एवरी वीक हैव टू कीप फॉर एंड टून आई से आई मीन एक्टिव इफ यू डोंट नो वॉट एक्टिव रिविजन इज तो प्लीज YouTube पे जाके मेरी एक और वीडियो देख लेना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा एक्टिव रिविजन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक अलग वीडियो में प्लीज यूज एक्टिव रिविजन बिकॉज डर इफ यू इफ यू कवर दर सिलेबस इफ यू डोंट रिमेंबर इट तो आपका ऑब्जेक्टिव है जो आपने पढ़ा है उसको याद रखना और वो याद कैसे रहेगा जब आप रिवाइज करोगे रेगुलरली एंड नॉट दिवीजन जो हम यूज किया करते थे एक्टिव रिविजन ओके वन डे पर वीक यू विल कीप फॉर फेज टू करेंट अफेयर इसको आप कवर करोगे हफ्ते में एक दिन लगा के एंड वन डे पर वीक यू कीप फॉर टेस्ट नाउ वेन यूर गोइंग फॉर सेल्फ स्टडी दैन दिस बिकम्स प्रॉब्लमैटिक बिकॉज कहाँ से टेस्ट लोगे हम भी टेस्ट अभी नहीं देते स्टूडेंट्स को बी गिव इट टू देम वन एंड हाफ टू मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन अभी हम लोग चैप्टर वाइज सेक्शनल वाइज मार्क्स देते हैं इंग्लिश के कॉम्प्रेहेंसिव मॉक्स मैंने निकालने शुरू कर दिए बट अदरवाइज चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज मार्क्स चलते हैं ज्यादातर तो इस केस में इट बिकम्स डिफिकल्टो यू हैव टू फाइंड अ लॉड ऑफ सोर्सेज थ्रू ऑनलाइन सर्च वहीं से आप निकाल सकते हो किस तरह से आपको कवर करने हैं टेस्ट पर वीक ओके ये तो हो गया वर्किंग का मेजर मेजर मैंने जो रिविजन बताया पर वीक टू सब्जेक्ट पर डे वन डे पर वीक फॉर रिविजन टेस्ट टेस्ट अगर हटा देते हैं क्योंकि आपके पास है नहीं देन आउट ऑफ देवन डेज फाइव डेज टू डेज यूर स्पेंडिंग ऑन रिविजन एंड फेज टू करेंट अफेयर फोर टू फाइव डेज यू गोटेबस सिलेबस मैंने आपको ऊपर बता दिया है इफ यू वर नॉन वर्किंग स्टूडेंट इफ यू जस्ट दटिंग फुल टाइम तो थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ मिल जाता है बट डिसएडवांटेज ये दट यू यू हैव मोर एन्जाइटी बिकॉज यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू सब्जेक्ट्स पर डे इज द मैक्सिमम डेली यू हैव टू डू एक्टिव रिविजन एंड डेली यू हैव टू कवर फेज टू करेंट प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा करेंट अफेयर आपको डेली कवर करना है फेज टू का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फेज वन का कब करना है मैं बताऊंगा अभी नीचे आई एल बी रिविलिंग इट शॉर्टली

स्टार्ट विथ क्वॉन्ट एंड इंग्लिश एंड यू विल कंप्लीट योर फेज टू करेंट जो मैंने आपको बताया था यहां पर तो आप डेली कर ही रहे हो यहां पर आप जो भी आपके गैप्स बचे हैं उनको कवर करोगे सो बाई द एंड ऑफ डिसंबर यू हैन विद दायर फेज टू प्रिपेरेशन फेज टू एक बार आप पढ़ चुके हो पूरा अब आपका टाइम स्टार्ट होता है रिविजन का रिविजन का समय आपका जनवरी ऑनवर्ड आ जाएगा एंड यू हैव टू मेक श्योर देट यूर रिवाइजिंग एटलीस्ट ट्वाइस इफ नॉट मोर मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप तीन से चार बार रिवाइज करो पूरा सिलेबस सेप्टेम्बर ई एस आई मैनेजमेंट अक्टूबर यू कंटिन्यू विद मैनेजमेंट इफ ई एस आई इज नॉट डन यू कंटिन्यू विद वेल यू पिक अप फाइनेंस एज सुन एज ई एस आई इज डन दो महीने में मैनेजमेंट इजीली हो जाएगा इन नवंबर यू स्टार्ट विद यू कंटिन्यू विद फाइनेंस स्टार्ट रीजनिंग इन डिसंबर यू स्टार्ट क्वांट एंड इंग्लिश ओके एंड फेज टू करंट आप उठाओगे जो भी आपका पेंडिंग है उसको आप कवर करोगे

ट इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं नंबर वन बिकॉज इट्स वेटेज इन फेज टू इज मैक्सिम एंड नंबर टू बिकॉज एग्जाम से दो महीने पहले आपका फोकस फेज वन पे शिफ्ट हो तो जाएगा इसलिए बिकॉज ऑफ दिस

यू कैन गो बैक इन टाइम इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम मे सो वट आई वुड डू एज अ स्टूडेंट इज अभी सेप्टेंबर चल रहा है फॉर एग्जाम्पल तो आई एल फर्स्ट कवर सेबर देन आई कवर ऑगस्ट देन आई कवर जुलाई देन आई कवर जून पीछे जाऊंगा उल्टा जाऊंगा एंड एज सुन एज अक्टूबर कम्स आई स्टार्ट विद ऑक्टूबर फर्स्ट उससे इट्स इजियर टू कवर एंड इट ऑल्सो बिकम्स फास्टर द सेम है लेटेस्ट वन जैसे कि मार्च में स्पॉटलाइट उठाई सो वी फर्स्ट कवर मार्च देन वी कवर फेब

फेज टू का रिवाइज करोगे फेज टू का एक बार और रिवाइज करोगे अप्रैल में बिकॉज इफ एग्जामिनेशन इज लेट से अगर आपका एग्जाम होता है लेट्स मे थर्टी लगा लेते हैं दिस इट वॉज मे ट्वेंटी एथ तो मे थर्टी का एग्जाम होता है तो आई हैव एन एंटायर मंथ टू रिवाइज रीजनिंग इंग्लिश एंड करेंट अफेयर्स ऑफ फेज वन एंड फेज टू सो इन अप्रिल वन मंथ बिफोर दिस आई कैन स्पेंड समाइम ऑन रिवाइजिंग फेज टू येट अगैन तो फेज टू का जो सिलेबस है वो यहाँ पे आप रिवाइज एक बार कर सकते हो जल्दी जल्दी पंद्रह बीस दिन में एंड देन यू कैन डेडिकेट ऑल योर एनर्जी फ्रॉम अप्रिल टू मे मतलब पूरा मे आप पूरी एनर्जी लगा सकते हो ऑन रिवाइजिंग क्वॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश फेज वन करेंट एंड फेज टू करेंट ये आपको पूरा रिवाइज करना है एक महीने में विच इज डूएबल बिकॉज यू ऑलरेडी बीन रिवाइजिंग इट कवरिंग इट एंड रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स तो ये हमारी पूरी टाइम टेबल है इसको एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके प्लीज राइट इट डाउन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और यह टाइमलाइन अगर आप फॉलो कर लोगे नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग द एग्जाम दिस इज द सेम टाइमलाइन दैट आई एम फॉलोइंग फॉर माई फॉर द एग्जाम फॉर माई स्टूडेंट्स ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम टाइम लाइन इज गोइंग ऑन हम इसी टाइमलाइन से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे आपको आपको कोर्स के थ्रू पढ़ना है पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ना है मैंने आपको आई हैव गि यू दर टाइम लाइन एंड दर सोशलिस्ट सब कुछ मैं आपको दे चुका हूँ नाउ दिन यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज कोई भी डाउट्स हैं कुछ भी पूछना चाहते हो यू कैन वेरी वेल रीच आउट टू मी यू कैन राइट इट इन दॉमेंट सेक्शन बिलो जो भी आपके डाउट्स हैं और यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी मैं आपको नंबर और वो सारी चीजें दे देता हूं सो द फोन नंबर दैट यू कैन यूज टू रीच आउट टू मी इज डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव प्लस द वेबसाइट नेम इज डब्ल्यू 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 डॉट अनु डॉट इन ओके एंड देर इज अ व्हाट्सएप

I'll make sure that I reply to your messages. I'll see you very very soon. Take care. All the best. Bye bye. Jai